ಬಂದು अनेक है इसका नाम, करता है बहुत सारा काम। जी हाँ, मैं कद्दू के बारे में बोल रही हूँ। हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज तनु हियर, और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन। सो आज मैं बना रही हूँ एक फेस पैक, जो मैं बना रही हूँ इस महाशय के साथ, मतलब पम्पकिन से मैं फेस पैक बना रही हूँ, मतलब कद्दू से। और मुझे पता है बहुत सारे मेरे फ्रेंड होंगे जिनको कद्दू खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैं बता दूँ, पम्पकिन इज रियली गुड फॉर आवर स्किन, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रूट एंजाइम्स है, और उसके साथ इसमें विटामिन ए है, सी है, जो हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है, सूथ करता है, और जो फ्रूट एंजाइम है हमारे स्किन को ब्राइटनिंग करता है और स्मूथ बनाता है। पम्पकिन में पाया जाता है जिंक, और जिंक जिनको भी ऑयली स्किन है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिंक जो है वो हमारी स्किन पे जो एक ऑयल प्रोडक्शन और हार्मोन लेवल को कंट्रोल करता है, और उसके साथ हमारी स्किन जो हील करने में भी एक हेल्प करता है। तो जिनको भी ऑयली स्किन है उनके लिए तो कद्दू यानी पम्पकिन बहुत ही अच्छा है, और उसके साथ इसका जो और एक प्रॉपर्टी वो है एंटी एजिंग, मतलब स्किन का एजिंग होने में भी रोकता है, क्योंकि इसमें है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए और सी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हमें फेस पैक बनाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, और इसके साथ हम जो ऐड कर रहे हैं वो भी हमारे इजीली हमारे घर पे मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। पम्पकिन फेस पैक बनाने के लिए आप पहले एक पक्का कद्दू यानी एक पम्पकिन जो कि थोड़ा सा ज्यादा पक्का है उसे आप ले लीजिए, और उससे आप छोटे छोटे दो स्लाइसेस निकाल ले, और उसका जो सीड का पोर्शन है उसे आप निकाल दीजिए। पहले हम इससे पम्पकिन प्यूरी बनाएंगे। पम्पकिन प्यूरी बनाने के लिए आप एक सॉसपैन पे पानी गरम करें, और उसके अंदर आप कट किए हुए पम्पकिन के स्लाइसेस को डाल दें, और इसे आप बॉईल होने दें। 5 मिनट में ये बॉईल हो जाएगा। पम्पकिन की बॉईल हो जाने के बाद उसे आप अच्छे से ठंडा होने दीजिए, गरम उसे ना निकालें। कद्दू बॉईल होने के बाद जब वो ठंड हो जाएगी आप उसके छिलके को निकाल दें। अब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए, और फिर ब्लेंडर पे आप ब्लेंड कर ले। कुछ ऐसे दिखेगी पम्पकिन प्यूरी। अब चलिए देख लेते हैं इस फेस पैक के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैश्ड कद्दू, बेसन, दही, नींबू एंड रोज वाटर। अब चलिए इस फेस पैक को बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक क्लीन बाउल लिया है जिसमें मैं फेस पैक बनाऊंगी। मैंने इस पे ऐड किया है 2 चम्मच तक पम्पकिन प्यूरी, उसके अंदर मैंने डाला है 1.5 चम्मच बेसन, 1 चम्मच कर्ड यानी दही, और उसमें मैंने ऐड किया है 1/2 ऑफ लेमन जूस और थोड़ी सी रोज वाटर, और फिर मैंने सबको अच्छे से मिला लिया है। कंसिस्टेंसी है ये बहुत ज्यादा थिन भी नहीं होगा और थिक भी नहीं होगा, ये क्रीम कंसिस्टेंसी में बनेगा। बन गया हमारा कद्दू यानी पम्पकिन फेस पैक। चलिए इस फेस पैक को लगा लेते हैं। अगर आप हाथों से फेस पैक अप्लाई कर रहे हैं तो हाथों को अच्छे से क्लीन कर ले, और अगर ब्रश से कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। बालों को आप ऊपर एक हाई पोनी में बांध ले या फिर हाई बन में बांध ले, और अपने फेस और नेक पे लगा ले। इवन जब भी मैं ये फेस पैक अप्लाई करती हूँ तो मैं हल्का सा एक मसाज देते देते मैं ये फेस पैक अपने फेस और नेक पे अप्लाई करती हूँ। लगाने के बाद आप 10 से 15 मिनट तक वेट कीजिए, और उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपने फेस को वॉश कर ले। नाउ आई विल क्लीन माय फेस। थोड़ा खिंचाव आया है, मैं ज्यादा जोर से बात नहीं करी क्योंकि फिर रिंकल्स आने आ जाता है ना। दिस आर द ऑल रैंडम थिंग्स आई डू आफ्टर डूइंग अ फेशियल। है ना कितना इजी और इफेक्टिव। तो जरूर आप इस फेस पैक को ट्राई करें, और जब इस बार जब मम्मी बोलेगी कि जाओ बेटा बाजार से कद्दू ले आओ तो मुंह ऐसा नहीं करना, आप लोग जाना
बाजार जाना, कद्दू लाना और छोटू सा कद्दू खुद के लिए रखना क्योंकि उससे आप फेस पैक बनाओगे और ये फेस पैक आप ज़रूर ट्राई करो और प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे पता है आप निराश नहीं होगे। और इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप रहिए खुश, खाइए हेल्दी और रहिए फिट एंड ऑल्सो कीप ग्लोइंग। बाय बाय।